नमस्कार, मैं हूँ श्रीनिवास सिरमल्ले। आप देख रहे हैं टीएस टीवी न्यूज। आइए देखते हैं शहर के कुछ। सबसे पहले तो देखो भिवंडी के जो हालात है, हालात का मुद्दा यह है कि किस मुद्दे पे बात करूं, जैसे बारिश का बात करूं या मंदी की बात करूं या सरकार की बात करूं, किस हिसाब से। मैं कोई पॉलिटिक्स तो हूं नहीं। खैर ठीक है, आपने हमारी तारीफ की कई चीज़ का, तो ये सही है कि मैं एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और पत्रकार भी हूँ अलावा जो भी है। लेकिन हालात जो आज चल रहा है, आज फिलहाल हालात बारिश का चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि हमारे भिवंडी शहर जो हालात से जूझ रहा है, इसके पूरा पूरा जिम्मेदार महानगर पालिका है। ये भिवंडी महानगर पालिका देखा जाए तो करोड़ों अरबों रुपया खरबों रुपया आता है हमारे राज्य सरकार से, हमारे केंद्र सरकार से, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है इसका पता लगाना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्ट लिप्त है, वो सारा पैसा गबन करते हैं या क्या करते हैं, उसका उजागरण नहीं हो पा रहा है। हमारे भिवंडी के अंदर न तो नाला सफाई हो रहा है, न तो नदी साफ हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा है। ये पैसा पूरा पूरा भ्रष्टाचारी हो रहा है, जिसकी वजह से नाला सफाई न होने के कारण पानी जमा हो रहा है। हमारी भिवंडी देखा जाए तो डूब रही है बारिश की वजह से, और कारपोरेशन इस पे मौन है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो बैठे हैं अपने आप को बताते हैं कि हम धार्मिक स्थल पे हैं, और उसके बाद लोगों के साथ साथ हम सहायता करते हैं। हम खुद एक पालक के साथ साथ हम मोहल्ले के एक जागरूकता इंसान है, जैसे कि नगर सेवक। लेकिन आज वो नगर सेवक हमारे भिवंडी के अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे भिवंडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि भिवंडी के अंदर दरअसल आज ऐसे गरीब बेघर लोग कितने ऐसे हैं जो घर से बेघर हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, घरों में पानी जा रहा है, गटर से पानी नहीं निकल रहा, नाले तक पहुंच नहीं पा रहा, नाले में जा रहा है तो नदी तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि नाला सफाई गटर सफाई कुछ नहीं हो रहा है। इसी वजह से आज हमारी महानगर पालिका चरमराई हुई है। इसका पूरा श्रेय मैं खुद प्रशासन शासन तक का आवाज उठाना चाहता हूँ कि ये खुद मौन है, और आवाम को हम क्या कहें। आवाम आज एक मजबूर है, उनके हाथ में बोलते हैं ना कि जैसे गांधी जी के हाथ में लाठी थी तो चलने का एक सहारा था, क्योंकि उनकी उम्र दराज थे। आज हमारे यहाँ चलने की जो क्षमता है ये पॉलिटिक्स लोग चलाते हैं, कैसे चलाना कैसे नहीं चलाना, अगर कोई चलना चाहता है तो उसको दबा देते। उसी चरमराई हुई हमारी कारपोरेशन में एक हिस्सा है। संदेश तो सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी भिवंडी आज 30 साल के लगभग पीछे चल रही है। आज हमारी भिवंडी बहुत बड़ी बात है कि ये महानगर पालिका कहलाता है। इससे पहले जब ये ग्रामीण एरिया था, फिर उसके बाद ये नगर पालिका में हुआ, फिर नगर पालिका के साथ साथ महानगर में हुआ। इसमें हमारे सबसे पहले पिछड़ा ये है कि एजुकेशन से हम पीछे, एजुकेटेड लोग हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है। हमारी महानगर पालिका में 11 स्कूल माध्यमिक है, जो कि हाई स्कूल चलती है 8वीं से लेकर 10वीं तक का, और 52 स्कूल उर्दू मीडियम है प्राथमिक चलती है, बाकी स्कूल मराठी और तेलुगु। ऐसा कुल मिला के महानगर पालिका के पास 102 स्कूल है जो प्राथमिक स्कूल चलती है, जिसमें उर्दू मीडियम, तेलुगु, हिंदी, मराठी सब है। लेकिन प्रशासन आज तक उसका न तो दौरा करती है, न तो ये देखती है कि स्कूल को कैसे चलाया जाए कैसे चल रहे। आज जो भी स्कूलें चल रही है उसमें देखा जाए तो ज्यादातर लोग उर्दू लाबी के लोग जो टीचर है वो अपनी हुकूमत शाही खुद कर रहे हैं। वहां पे न तो कोई अधिकारी को आने देते, न तो अधिकारी की हिम्मत होती कि हम स्कूल में जाके कभी धड़क मुहिम चलाए कि वहां क्या चल रहा है। दरअसल स्कूल के अंदर आज भी बहुत गड़बड़ चल रहा है, न तो पढ़ाई हो रही है, न वहां ठीक से कोई देख रेख हो सकता है। उसके साथ साथ हमारी कई इमारत स्कूल ऐसी है जो गिरने के कागार पे है, लेकिन महानगर पालिका उस पर ध्यान नहीं दे रहे। वो कभी भी गिर सकती है, कभी भी कुछ घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार कौन ये आज पता लगाना मुश्किल हो गया। कारपोरेशन अपने ऊपर नहीं ले रहे, अब पालक उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कम से कम हम अपने बच्चों को 5 घंटे के लिए वहां भेज रहे, लेकिन वो इमारत कैसी है किस हालत में। आज इसी का फायदा प्राइवेट स्कूल भरपूर अपना धंधा कर रही है, अपना कारोबार उजागरण करके रखी है। आज वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल भरपूर पैसा ले रही है, भरपूर डोनेशन वगैरह ले रहे हैं। लोग मजबूरी पे दे रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, पहले से 8वीं तक पास तो कर दिया जाता है लेकिन 9वीं में जाके वो फेल है। ऐसी हालत में हमारी पढ़ाई एजुकेशन बहुत पीछे है, और इसका शिक्षण मंडल या मतलब हमारे माध्यमिक शिक्षण मंडल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, खासतौर पर हमारे कॉर्पोरेशन, यहाँ तक कल जिला परिषद के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे कि ये क्या होना चाहिए। अगर एजुकेटेड हो गया, एजुकेशन हमारी कामयाब रही तो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। ये वसई नाला सुपारा से
कई गुना नंबर एक पे हमारी भिवंडी देना चाहते हैं। हमारा जब संदेश यही है कि हाँ बच्चा बच्चा एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाने पे ध्यान दोगे तो हमारी भिवंडी विकास की तरफ ध्यान देगी, ध्यान होगा और सरकार भी इस पे ध्यान देगी। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी हम इसी तरीके से लड़ते और मरते रहेंगे, हमारा कोई सुनवाई नहीं होगी। पूरी तरह से जिम्मेदार यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनता भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स लोग है या शासन प्रशासन के लोग, इसमें जनता भी शामिल है। हम आप एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हम एक होंगे, इरादे नेक होंगे, तब हमारा भिवंडी विकास की तरफ